जाएगा, लेकिन उससे पहले सीकर उनका शव पहुंचा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस बीच बेहद गमगीन माहौल है। उनके आवास पर अंतिम यात्रा के लिए तमाम लोगों का हुजूम शामिल हुआ है। राजस्थान से प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद रहे, पूर्व राजस्थान विधानसभा में उदयपुर वाटी से विधायक भी थे, जमीनी स्तर से जुड़े नेता मदनलाल सैनी बीजेपी को बूथ लेवल पर मजबूत करने के लिए लगातार काम करते रहे। उनकी जो विनम्रता, उनकी सरलता, उनकी शालीनता, यही तो सब था जो उनको बाकी लोगों से अलग करता था। सीकर जिले की मालियों की ठाड़ी के रहने वाले थे मदनलाल सैनी। राजनीति में आने से पहले वो भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए थे। सीकर मुख्यालय से सटे माली बहुल झुंझुनू से उदयपुर वाटी विधानसभा से विधायक भी बने। 1990 में पहला चुनाव उदयपुर वाटी से उन्होंने विधानसभा का जीता और जीतकर विधायक बने। और संवाददाता प्रदीप सैनी इस बीच हमारे साथ सीकर से लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, अंतिम यात्रा में तमाम लोग शामिल हो रहे हैं, कितनी देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा, कौन कौन वहां मौजूद है इस वक्त, क्या तस्वीर आप देख रहे हैं, क्या जानकारी आपके पास? देखिए पूजा, बड़ा ही गमगीन माहौल है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मदनलाल सैनी के आवास पर पहुंची हैं और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाने के लिए पहुंची हैं। साथ ही मदनलाल सैनी की जो पत्नी है पतासी देवी, उन्होंने उनसे मिलकर उनको भी ढांढस बंधाया है। इसके अलावा पार्टी के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता, मंत्री, सांसद, एमएलए यहाँ पहुँचे हैं। सांसद सुमेधानंद सरस्वती, चोमू विधायक रामलाल शर्मा, इसके अलावा कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, गजेंद्र सिंह शेखावत के अलावा कई और भी कई एमएलए और सांसद यहां पहुंचे हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, वो भी थोड़ी देर में यहां अंत्येष्टि में शामिल होंगे। शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाएंगे, वहीं मदनलाल सैनी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मेरे साथी मनीष टेलर हैं जो कैमरे पे हैं, वो दिखा रहे हैं किस तरह से मदनलाल सैनी के आवास पर लोगों का हुजूम उबड़ा है। मदनलाल सैनी को नम आंखों से विदाई देने के लिए लोग बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। पार्टी के कार्यकर्ता हों, भले ही पदाधिकारी हों, भले ही वो सांसद हों, हर कोई यहाँ पहुँचा है और नम आंखों से थोड़ी देर बाद में विदाई दी जाएगी। यहाँ से अब थोड़ी देर बाद में जो पार्थिव देह है, शव यात्रा है, वो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर उदयराम सिंह की ढाणी है, जो इनका फार्म हाउस बताया जा रहा है, वहाँ पहुँचेगी और वहाँ पे इनकी अंत्येष्टि होगी। राजेंद्र राठौड़ पूर्व मंत्री हैं, वो भी यहाँ पहुँचे हैं और इस अंत्येष्टि में इनके अलावा भी कई पूर्व मंत्री, मंत्री, एमएलए, सांसद यहाँ शामिल हैं। जी पूजा, बने रहिए प्रदीप हमारे साथ, लौटेंगे आपके साथ। तो इस बीच ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पार्टी के दिग्गज नेता, कार्यकर्ता, स्थानीय लोग, हर एक व्यक्ति उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहा है। थोड़ी देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीकर से इस वक्त की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। बताया जा रहा है कि थोड़ी ही देर में जेपी नड्डा भी यहां पर पहुंचेंगे। आपको वो तस्वीरें भी याद होंगी जब कल अमित शाह एम्स में पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी उनको श्रद्धांजलि दी थी। प्रदीप सैनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, 1990 का वो पहला चुनाव था जब उदयपुर वाटी विधानसभा से जीतकर वो विधायक बने थे। 1990 से लेकर 2019 का हम जिक्र कर रहे हैं। अब तक का अगर उनका हम राजनीतिक करियर जानना चाहें तो क्या कुछ उतार चढ़ाव आपने उनके राजनीतिक करियर में देखे? लोग कैसे देख रहे हैं इतनी लंबी पारी को राजनीति में, क्योंकि एक बड़ी उपलब्धि नहीं है उनकी, तमाम ऐसी उपलब्धियां हैं जिनके लिए हर कोई उनको याद कर रहा है, उनकी कमियां खल रही है। एक ऐसी राजनीति शुरू हो गई है जहां पर मर्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मदनलाल सैनी की जुबान से जब कोई भी शब्द निकलता था, चाहे वो विरोधियों के लिए निकले, उसमें भी एक शालीनता होती थी, उसमें विनम्रता होती थी, उसमें एक सकारात्मकता होती थी। और यही वजह है कि ये सारी चीजें उनकी उनको बाकी लोगों से अलग बनाती थी। बिल्कुल, सादगी ही उनका सबसे बड़ा आभूषण था और सादगी से ही वो अपने आप में अलग थे। फिलहाल उनका जो शव यात्रा है वो घर से रवाना हो चुकी है। अंतिम दर्शनों के लिए घर पे पार्थिव देह लाया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इस शव यात्रा में शामिल हैं। शोक संतप्त परिवार को उन्होंने ढांढस बंधाया है। फिलहाल
आवास के बाहर लोगों का हुजूम उमड़ा है, जहां हर कोई गमगीन माहौल में नजर आ रहा है। हर किसी की आंख में आंसू है, नम आंखों से अंतिम विदाई दी जा रही है मदन लाल सैनी को। पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी, एमएलए, सांसद यहां मदन लाल सैनी को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हैं। लोगों को यहां बड़ा हुजूम उमड़ा हुआ है, हर कोई मदन लाल सैनी के अंतिम दर्शन करना चाह रहा है। और लक्ष्मी, अगर इनके राजनीतिक जीवन की बात की जाए तो ये शुरू से ही यानी 1952 से ही आरएसएस से जुड़े हुए थे। लोगों से जो जानकारी मिल पाती है, लोग बताते हैं कि जिस स्कूल में ये पढ़ा करते थे, उस स्कूल के जो गुरुजी थे, जिनसे पढ़ते थे, शिक्षक थे, उनकी प्रेरणा से ही इनका परिवार और ये खुद आरएसएस से जुड़े थे और लगातार ये स्वयंसेवक होते हुए पार्टी और संगठन के लिए काम करते रहे। इसके बाद में 1990 में उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र जो आता है, वो पहले गुड़ा गोडजी विधान क्षेत्र हुआ करता था, वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा और ये चुनाव जीत गए। उसके पश्चात लोकसभा झुंझुनू से उन्होंने दो बार चुनाव लड़ा, लेकिन वे हार गए थे। इस तरह से उनका राजनीतिक करियर ऊपर नीचे चलता रहा, लेकिन इनकी सादगी और पार्टी के प्रति कर्तव्य निष्ठा को देखकर आज वो जिस ओहदे पे पहुंचे थे, उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया, बाद में उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया गया, लेकिन आज वे हमारे बीच नहीं है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं किस तरह से घर में कोहराम मचा हुआ है। जो उनकी पुत्रियां हैं वो किस तरह से पिता से लिपट कर रो रही हैं, बिलख रही हैं, क्योंकि आज उनके पिता उन्हें छोड़कर चले गए हैं। लक्ष्मी, बिल्कुल प्रदीप, ये वो पल है जो शायद ही शब्दों में बयां हो पाए, क्योंकि ये दर्द, ये दुख, ये आंसू हम शायद शब्दों में इनको बयां नहीं कर सकते, क्योंकि एक परिवार ने क्या खोया है ये परिवार ही समझ सकता है। हालांकि पार्टी में भी अपूर्णीय क्षति हुई है, राजनीति में हम कह सकते हैं कि राजस्थान के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। इस क्षति को नहीं भरा जा सकता है, क्योंकि इस तरीके के राजनेता हमारे समाज में बहुत कम मिलते हैं। और ये जो लोगों के लिए भी एक बड़ी मिसाल कायम करते हैं, लोगों के लिए भी एक बड़े संदेश देकर जाते हैं कि वाकई अगर आप राजनीति में आते हैं तो जो लोग इसके चमक में, जो चकाचौंध में लोगों को भूलकर एक इसकी चमक में खो जाते हैं, उनके लिए भी एक मैसेज है मदन लाल सैनी की। देखिए, इतने अच्छे पद पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने अपनी सादगी, अपनी विनम्रता, अपनी सरलता और लोगों से अपने जुड़ाव को उन्होंने नहीं भूला। उनका जो एक मंत्र रहा करता था, तमाम कार्यकर्ता भी कल प्रदीप सैनी ये कहते हुए लगातार नजर आए हमसे, कि उनका ये साफ तौर पर कहना था कि जब 25 सीटें भी जीत ली गई थी तब भी उन्होंने ये कहा था कि देखिए, आपको घमंड नहीं होना चाहिए, आपको अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर अब आप पहुंचते हैं टीवी मंच पर बात करते हैं तो आपकी भाषा में सरलता होनी चाहिए, क्योंकि अब आप और मजबूत हो गए हैं। ये जो विचार है ये वाकई हर किसी नेता के अंदर नजर नहीं आता। बिल्कुल लक्ष्मी, सादगी, सरलता और सहजता उनका ये गुण था, और इस गुण की वजह से ही वे इतने बड़े ओहदे पर पहुंचे और पार्टी में उन्होंने ये ओहदा ग्रहण किया। लेकिन आज हर किसी को गम है, भले ही वो पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हो या फिर कोई बड़ा पदाधिकारी हो या फिर कोई मंत्री हो, हर कोई इस गम में डूबा हुआ है। और देख सकते हैं तस्वीरें, परिवार के जो लोग हैं किस तरह इस शोक में डूबे हैं, हर किसी की आंख में आंसू हैं। जो उनके परिवार के लोग हैं, तस्वीरों में ये तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं कि परिवार से किस तरह से वो जुड़े हुए थे, परिवार से उनका कैसा वास्ता था। हर कोई तो बिल्कुल, ये तस्वीरें बताती हैं कि मदन लाल सैनी कोई व्यक्ति नहीं थे, उनका व्यक्तित्व था जो आज साफ तौर पर समझ आ रहा है, नजर आ रहा है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं। परिवार का क्या हाल हो रहा है हम तस्वीरों में साफ देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी की तबीयत भी अचानक खराब हो चुकी है, वीपी की वजह से उनके लिए भी डॉक्टरों की टीम वहां पर पहुंची है, उनका इलाज कर रही है। बेटियों का रो रो कर बुरा हाल है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस बीच बेहद गम की घड़ी है, अंतिम विदाई के लिए, अंतिम यात्रा पर जा रहे हैं मदन लाल सैनी, लेकिन वो यादों में हमेशा सबके रहेंगे। उन्होंने अपने पीछे यादों का और एक अच्छे संदेश का इतना बड़ा सफर छोड़ा है, जो वाकई कार्यकर्ताओं को मैसेज देता है
कि ऐसे ही कोई भारतीय जनता पार्टी का लाल नहीं बनता, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है। उन्होंने हमेशा अपने परिवार से भी ऊपर पार्टी को रखा, उनका परिवार भी इस बात को मानता है कि जब पार्टी की बात आती थी तो परिवार उनके लिए पीछे रह जाता था। जहां आजकल हम राजनीति में देख रहे हैं परिवारवाद का जिक्र होता है, परिवारवाद की झलक नजर आती है, वहां वो मदन लाल सैनी जो अपने परिवार को पार्टी से पीछे छोड़ते थे और पार्टी को पहले तरजीह देते थे। और उनकी बेटी की तबीयत इस वक्त बिगड़ी हुई है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बेहद ही गमगीन माहौल है। एक बेटी को आप समझ सकते हैं इस वक्त क्या भावनाएं हैं, पिता की अर्थी निकल रही है एक बेटी के सामने, बेहद ही गमगीन नजारा है, शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। अपूर्णीय क्षति परिवार के लिए भी है, पार्टी के लिए भी है, राजनीति में भी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हजारों लोगों का हुजूम यहां पर पहुंचा है और इस वक्त ये खबर आ रही है कि उनकी बेटी की तबीयत खराब हुई है। हालांकि और पहले ये भी खबर आई कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब हुई थी, डॉक्टर्स की टीम उनके घर पहुंची थी, उनका इलाज चल रहा है। और इसी बीच ये जो अंतिम क्षण जो अपने पिता की एक झलक देखने को बेताब हो रही हैं बेटियां, और इस बीच उनकी तबीयत खराब हुई है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके बाद शायद कभी ये चेहरा परिवार को, कार्यकर्ताओं को, हम सबको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं अंतिम यात्रा पर मदन लाल सैनी, और इस बीच थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा, कुछ देर में अंतिम संस्कार होगा। माना जा रहा है कि अंतिम संस्कार से पहले जेपी नड्डा भी यहां पर पहुंचेंगे, तमाम पार्टी के दिग्गज पहुंचे हैं। और देखिए ये वो शख्सियत है, आपने उन तस्वीरों को देखा होगा जब अशोक गहलोत भी, मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे थे, सचिन पायलट भी वहां पर पहुंचे थे। कल जब लगभग 7:30 बजे मदन लाल सैनी के निधन की खबर आई तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं, अपोजिशन पार्टी में भी, यानी कि कांग्रेस पार्टी में भी लगातार हमने ये देखा कि शोक का माहौल था। उन्होंने भी कहा कि हमने एक ऐसे राजनेता को खो दिया है जो वाकई हम सब के लिए एक बड़ी मिसाल था। उनका जमीन से जुड़ा होना, उनकी सादगी, उनकी सरलता, उनकी भाषा में मर्यादा, ये बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो वाकई बाकी राजनेताओं से उनको अलग करती थी। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष पद की हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुर्सी कभी किसी का इंतजार नहीं करती, कुर्सी तो भर जाएगी, लेकिन शायद ये कहना गलत नहीं है कि मदन लाल सैनी की जगह कोई नहीं ले सकता। उनकी जो शैली थी वो वाकई एक बहुत अलग हुआ करती थी। राज्यसभा सांसद बनने से पहले तक का अगर हम जिक्र करें तो वो तस्वीर भी लोगों की नजरों के सामने आ जाती है जब वो सीकर से लेकर जयपुर पार्टी मुख्यालय तक रोडवेज बस से सफर किया करते थे। शायद ही कोई ऐसा नेता हो कि पार्टी में रहने के बाद वो रोडवेज बस से सफर करे। बताया जाता है कि बस स्टैंड से और जो पार्टी मुख्यालय का जो रास्ता हुआ करता था वो या तो पैदल ही तय कर लिया करते थे, या फिर अगर कोई कार्यकर्ता पार्टी का मिलता है तो उसकी मोटरसाइकिल या साइकिल से रवाना हुआ जाते थे। तो ये जो उनकी एक सादगी थी, राज्यसभा सांसद बनने तक उनके पास कोई अपना व्हीकल नहीं था। आजकल छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को आप देखेंगे तो कंपैरिजन कर सकते हैं कि राज्यसभा सांसद जब वो बने, जब इस बात की खबर उन तक पहुंची, जब वो नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे, तब तक उनके पास कोई भी अपना व्हीकल नहीं था, वो पार्टी कार्यकर्ताओं के व्हीकल से वहां पर पहुंचे थे। माना ये भी जाता है कि इतनी सादगी थी कि हमेशा उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि उनको किसी पद की या फिर उनको एक बड़ी चमक की कोई उम्मीद हो। जब उनको प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया, उनको जब खबर मिली राज्यसभा सांसद बनाया गया, तो उन्होंने कहा कि जो मेरी प्लास्टिक की कुर्सी थी मैं उसमें ही कंफर्टेबल था, मुझे किसी कुर्सी का लालच नहीं है, मुझे किसी कुर्सी की कोई इच्छा नहीं है, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और हमेशा उनकी कार्यशैली ये बताती थी, उनका व्यवहार ये बताता था कि वाकई उन्होंने हमेशा किसी बड़े पद पर रहकर भी एक कार्यकर्ता की तरह ही लोगों से जुड़े रहे। सबसे बड़ी अगर हम मदन लाल सैनी की बात करें कि उनकी जो बड़ी उपलब्धि थी, जैसे ही उनको पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, हमने तमाम चीजों को देखने जब शुरू किया तो सबसे पहले जो उनकी प्राथमिकता रही पार्टी के लिए वो गुटबाजी को खत्म करना रहा। अनुशासन की हम बात करें तो देखिए 1952 में वो आरएसएस से जुड़े हुए थे, अनुशासन आरएसएस में किस तरीके से सिखाया जाता है ये भी हम लगातार तस्वीरों में देखते आ रहे हैं। जब उनकी किसी भी तरीके के कोई शिविर लगते हैं तब भी आप देखते हैं, तो अनुशासन की जब बात होती है तो मदन लाल सैनी को कहा जाता था कि वो अनुशासन, बहुत अनुशासन में रहते थे। और यही एक वजह है कि लंबे समय तक अनुशासित पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित पार्टी के अध्यक्ष भी वो लगातार रहे और
सबसे बड़ी बात ये थी कि संगठन के साथ साथ उनकी जो कार्यकर्ताओं पर जो पकड़ थी, कार्यकर्ताओं के साथ जो वो जुड़े थे, वो वाकई उनके लिए एक अलग था बाकी नेताओं से, क्योंकि संगठन के साथ साथ कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना, सबको एक सूत्र में पिरोना, ये माना जाता है कि मदन लाल सैनी जैसा शायद ही कोई अन्य राजनेता हम राजस्थान की राजनीति में देख पाए। हालांकि ये भी कहा जाता है कि वो इतने सरल थे कि जब भी बाहर अगर पार्टी की तरफ से कोई उनको जिम्मेदारी दी जाती थी, देखिए जब यूपी विधानसभा चुनाव हुए तो जिस वक्त उनको इटावा का जिम्मा सौंपा गया, उस वक्त की तस्वीर भी वो हमको याद आती है कि इटावा में जब वो जाते थे, जब वहां की चीजों को संभाल रहे थे, तो खुद वो अपने कपड़े धोया करते थे, खुद अपनी जिम्मेदारियों को संभाला करते थे, वहां के लोगों में अपनी पकड़ बनाना, वहां के लोगों को समझाना, वहां की राजनीति को समझना, ये बहुत आसान हो गया था उनके लिए, क्योंकि उनका व्यवहार ऐसा था, उनका व्यक्तित्व ऐसा था। यही तो वो पल होता है, यही वो क्षण होता है जो ये बताता है कि क्या व्यक्ति इस दुनिया में आकर व्यक्ति बन के चला गया, या फिर वाकई वो एक व्यक्तित्व बनकर यहाँ से गया है, सिर्फ एक शख्स बनकर चला गया, या फिर उसकी एक शख्सियत हमारे सामने है। तो मदनलाल सैनी कोई एक व्यक्ति नहीं थे, वो कोई शख्स नहीं थे, वो एक व्यक्तित्व था, वो एक शख्सियत थे, और इसकी तस्वीरें आज हमारे सामने हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, उनको अंतिम यात्रा पर लिया जा रहा है, लेके जाया जा रहा है, और इस बीच उनके अंतिम दर्शन के लिए भी लोगों का हुजूम यहां पर उमड़ रहा है। माना जा रहा है कि बस थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें बेहद ही भावुक करने वाली तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, बेटियों का एक ओर रो रो कर बुरा हाल हो रहा है, दूसरी ओर पत्नी बीमार चल रही है, डॉक्टर्स की टीम वहां पर पहुंची है। आपने सुना होगा वसुंधरा राजे को पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बेहद करीबी बताए जाते थे उनके। कहा जाता था कि जब प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए जब रेस में तमाम लोग आगे चल रहे थे, तमाम नाम आगे चल रहे थे, तो वसुंधरा राजे के बेहद करीबी थे मदनलाल सैनी, और यही एक वजह थी कि उनके लिए वो खुद आगे आई। और ये भी कहा गया कि उन्होंने खुद आगे आकर प्रधानमंत्री और अमित शाह तक से उनका नाम आगे लिया और कहा कि ये पद मदनलाल सैनी के लिए होना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर वो तस्वीर है जब सीकर उनके आवास पर उनका शव रखा गया था अंतिम दर्शन के लिए, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं अंतिम यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, बस यहीं पर उनका अंतिम संस्कार होगा। तमाम लोग यहां पर पहुंच चुके हैं अंतिम सफर की तैयारी, और ये वो तस्वीरें जो वाकई बहुत ज्यादा भावुक कर रही हैं। शब्द नहीं है हमारे पास इन तस्वीरों को बयां करने के लिए। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि यहां पर अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही हैं, तमाम लोग यहां पर पहुंच चुके हैं अंतिम संस्कार को लेकर। जो कार्यक्रम होना है, जो तैयारियां होनी है, उनको पहले से किया जा रहा है, क्योंकि जो उनकी देह, जो उनका शव है, वो यहां से रवाना कर दिया गया है, और थोड़ी ही देर में जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वहां पर उनका शव पहुंचेगा, और उसके बाद उनके बेटे यहां पर उनको मुखाग्नि देंगे, अंतिम संस्कार होगा। ये पल बेहद भावुक करने वाला है, क्योंकि मदन लाल सैनी की हम बात कर रहे हैं, लगातार हम उनके पारिवारिक जीवन की भी बात कर रहे हैं, उनके राजनीतिक जीवन की भी बात कर रहे हैं। ये बताता है कि मदन लाल सैनी खुद से ज्यादा भी उन्होंने पार्टी को रखा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के वक्त भी उनकी तबीयत खराब हुई थी। वसुंधरा राजे ने सुबह कहा कि ये उम्मीद नहीं थी, हालांकि जब वो एम्स में भर्ती हुए तो ये माना जा रहा था कि उनकी जो आंतों में इन्फेक्शन है उसका ट्रीटमेंट होगा, ऑपरेशन हो जाएगा, वो ठीक होकर घर आ जाएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद भी उनसे कहा गया, तमाम बड़े नेताओं ने कहा कि लगता है आपको कोई तकलीफ है, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लेकिन हमेशा उनका कार्यकर्ताओं को इतना मोटिवेट करना, साफ तौर पर कहते थे कि नहीं, मैं बीमार नहीं हूं, मैं ठीक हूं और मैं पूरी ऊर्जा के साथ काम कर रहा हूं। निश्चित तौर पर अंतिम पल तक उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है और पूरी निष्ठा के साथ काम किया है, ऊर्जा के साथ काम किया है। जब एम्स में भी भर्ती थे, जब इलाज चल रहा था, उस वक्त भी कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, उस वक्त भी एक ही संदेश था उनका कि देखिए पार्टी के लिए क्या करना है, पार्टी को कैसे मजबूत करना है, पार्टी के लिए हम और क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके के राजनेता हमारे समाज में बहुत कम हमको देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक थे मदनलाल सैनी। और वाकई बीजेपी का लाल अगर उन्हें कहा जाता है तो ऐसे ही नहीं कहा जाता, उन्होंने बहुत कुछ पार्टी के लिए किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बेहद भावुक करने वाली ये तस्वीरें हैं। घर से ज्यादा
पार्टी को वक्त देना, पार्टी को अहमियत देना। ये भी कहा जाता है कि जब पार्टी में वो किसी पद पर नहीं थे तब भी वो पार्टी दफ्तर रोज जाया करते थे, पार्टी दफ्तर जाते थे, लॉन में बैठते थे, कार्यकर्ताओं से मिलते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे, उनको मोटिवेट करते थे, तमाम चीजों को लेकर बातचीत करते थे। तो ये जो उनका एक व्यवहार था वो हर एक कार्यकर्ता आज उनको याद कर रहा है, उनकी कमी हर एक कार्यकर्ता को खल रही है। क्योंकि छोटे से छोटा कार्यकर्ता अब जब वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए, एक बड़ा पद मिल गया, तो हर एक कार्यकर्ता के अंदर जो भावना थी वो ये थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर वो वहां तक पहुंचता है तो मदनलाल सैनी वो व्यक्ति हैं कि शायद उसको निराश वहां से नहीं लौटना पड़ेगा। हर एक कार्यकर्ता की बात उन तक पहुंचाना बहुत आसान था, शायद यही सब खूबियां थी जो कि निश्चित तौर पर उनको आज व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने रख रही हैं, उनको शख्सियत के रूप में हमारे सामने रख रही हैं। और अपोजिशन की भी तस्वीरें हमने वो देखी, जब तमाम बड़े नेता पहुंचे, खुद मुख्यमंत्री उनको अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे, उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे, और उन्होंने भी कहा कि निश्चित तौर पर राजस्थान की राजनीति में ये अपूर्णीय क्षति है, इसको नहीं भरा जा सकता है। क्योंकि उनका जो अंदाज था बात करने का, चाहे वो संसद में अपनी आवाज उठाएं, चाहे सड़क पर अपनी आवाज उठाएं, लेकिन उनका जो अंदाज था वो वाकई कुछ अलग था। शब्दों में मर्यादा थी, कभी भी अब जब राज्य में विपक्ष में पार्टी थी तो सरकार को घेरने की तमाम कोशिशें थी, तमाम इस तरह के कदम उठाए गए थे, लेकिन जब भी वो अपने शब्दों का इस्तेमाल करते थे, बहुत मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते थे, भाषा में एक विनम्रता हुआ करती थी, और जो उनका नजरिया था, जो उनके विचार थे, उसमें हमेशा सकारात्मकता नजर आती थी। अतुलनीय उनकी जो कार्यशैली रही है उसके बारे में हम सबके सामने तस्वीर है, और उनकी जो जीवन शैली रही वो बेहद ही सरल रही। हालांकि कार्यशैली उनकी अतुलनीय रही, लेकिन जीवन शैली बेहद सरल हमने लगातार देखी। सिंपल सा उनका पहनावा, खाने में भी कुछ ऐसा विशेष नहीं था उनकी कि बहुत ज्यादा अलग अलग चीजें उनको इच्छा हो, वो जो भी उनको मिलता था वो खा लिया करते थे। जिम्मेदारी की हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि एक जिम्मेदारी और अनुशासन उन्होंने अपनी परिवार के प्रति भी निभाया। 10वीं क्लास में पढ़ते थे जब उनकी शादी हो गई, हालांकि उसके बाद भी उन्होंने परिवार को भी ध्यान में रखा, लेकिन पार्टी उनके लिए बहुत पहले आती थी, पार्टी के लिए वो हमेशा जी जान से खड़े हुआ करते थे। और यही ये नजारा जो बताता है कि वाकई इस तरीके के व्यक्तित्व तो हम लोगों के बीच बहुत कम बचे हैं। जहां अपोजिशन पार्टी भी दुख मना रही है, शोक में है, शोक व्यक्त कर रही है, कल जब हमने स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा से भी बात की तो उनका भी ये कहना था कि निश्चित तौर पर ऐसे राजनेता को हमने खोया है जिनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। जगह भरी जा सकती है लेकिन कमी पूरी करना शायद हमारे वश में नहीं होगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीकर से, अंतिम यात्रा पर जा रहे हैं मदनलाल सैनी, अपने पीछे यादों का एक बहुत बड़ा सवेरा छोड़ कर गए हैं। सबके जहन में तमाम उनकी यादें हैं, आप देख सकते हैं। मीडिया से भी जब वो बात किया करते थे तो उनकी भाषा में बेहद ही विनम्रता रहा करती थी, तमाम सवालों के जवाब देते थे लेकिन बहुत विनम्रता के साथ। पार्टी कार्यकर्ता भी आज उनकी कमी को महसूस कर रहे हैं, हमेशा उनकी कमी महसूस होगी पार्टी के अंदर, राजनीति के अंदर निश्चित तौर पर। लेकिन सबसे बड़ा जो दुख का पहाड़ जो टूटा है वो उनके परिवार पर टूटा है। शायद उनके दर्द को हम महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो दर्द जो उनकी बेटियों पर गुजर रहा है, वो दर्द जो उनके बेटों पर गुजर रहा है, वो दर्द जो उनकी पत्नी इस वक्त झेल रही है, शायद हम उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकते। लेकिन ये तस्वीर बताती है कि मदनलाल सैनी एक व्यक्ति बनकर इस दुनिया से नहीं गए हैं, उनका व्यक्तित्व, उनका व्यवहार है जो आज ये तस्वीरें सामने ला रही हैं। कहते हैं कि जाने के बाद ये समझ आता है कि व्यक्ति का व्यवहार क्या रहा। ये तस्वीरें बताती हैं कि व्यवहार उनका क्या था। एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता से मिलना उसी अंदाज में, ये भी कहा जाता है कि जब वो युवाओं के साथ होते थे तो युवा बनकर, यानी कि उसी अंदाज में बात करते थे, उनके वही विचार आते थे, विचार साझा करते थे, लेकिन जब मदनलाल सैनी बुजुर्गों के साथ होते थे तो बुजुर्गों की तरह उनकी सोच होती थी, बुजुर्गों की बातों को साझा करते थे, अपने विचार उनसे साझा करते थे। तो हर एक तबके को साथ लेकर चलना, सामंजस्य बिठाना, अनुशासन कायम रखना,
ये बहुत सारी चीजें थी जो एक व्यक्ति में मिलना आसान नहीं है, और ये सारी चीजें, ये सारे जो वर्ताव थे, ये मदनलाल सैनी के बीच थे जो कि सबको जोड़े रखते थे। और यही एक वजह थी कि कड़ी मेहनत, देखिए अपोजिशन में होते हुए भी विधानसभा चुनाव में हार गई पार्टी, लेकिन अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो अपोजिशन में होते हुए भी प्रदेश अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी होती है, और इस जिम्मेदारी को बखूबी उन्होंने निभाया। 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई, और ये बताता है कि किस तरीके से उन्होंने मेहनत की। शायद वो पार्टी के लिए अपने आप को भी भूल गए थे, क्योंकि तकलीफ उनको थी, काफी समय से बीमार चल रहे थे, लगातार वो राजस्थान में ही अपना इलाज करा रहे थे, लेकिन जब बहुत ज्यादा तबीयत बिगड़ी तब उनको एम्स में भर्ती कराया गया। आज खुद वसुंधरा राजे ने कहा कि ये उम्मीद नहीं थी हमको कि मदनलाल सैनी आज हमारे बीच नहीं रहेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों पर हमारी नजर लगातार रहेगी। अंतिम यात्रा पर है मदनलाल सैनी, छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे।